दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस इज सर सीबो रहमान। अगर आपने मेरा गुज़िश्ता जो पहला लेक्चर था वो अगर आपने अटेंड किया था लाइव, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया था तो मेरा एक सेशन जो साउंड के ऊपर है, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, उसको लाजमी देख लीजिए। और उसके जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो आपको, जो मैंने लिंक फॉरवर्ड किया उसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये जिस PDF से आप पढ़ रहे हैं ये मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं सेशन में सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हमारे अल्फाज जुड़ते नहीं है। मुझे ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइएगा कितने लोग ये कहते हैं कि सर मेरे जहन में आइडियाज तो बहुत है, मैं बोलना बहुत चाहती हूँ, वोकैबुलरी भी है, वर्ड्स भी है, लेकिन सर वो वर्ड्स जुड़ नहीं रहे। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं। सना ने कहा सर ऐसा मेरे साथ होता है, हिरा ने कहा सर ऐसा मेरे साथ होता है, अनम ने कहा ऐसा मेरे साथ होता है, जवेरिया, गुलनाज, निमरा, अनम, एक और ये पीपल, दीस पीपल आर सेइंग सर आई हैव सो मेनी आइडियाज बट दे आर नॉट बीइंग कनेक्टेड, जुड़ नहीं पा रहे हैं सर, उनको जोड़ा नहीं जा रहा है, क्या करूं। आज का सेशन लाजमी पूरा अटेंड करें, आपके आइडियाज जुड़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इट। आपको पता है स्कूल लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ से तबाही शुरू हो गई थी, क्यों? आज भी बहुत सारे बच्चों की तबाही हो रही है। हमारे स्कूल के अंदर हमें ये चीजें पढ़ाई जाती है, वर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, बिना स्केल निकाल ले, पेंसिल निकाल ले, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसकी मीनिंग याद करवाई, उसके जुमले लिखवा दिए, अल्लाह हाफिज। हमें कॉन्टेंट वर्ड्स याद करवाए जाते हैं, कॉन्टेंट वर्ड्स हैव देयर मीनिंग्स। अगर मैं कॉन्टेंट वर्ड्स की बात करूं तो कॉन्टेंट वर्ड्स हैव देयर मीनिंग्स, कॉन्टेंट वर्ड्स की अपनी मीनिंग्स है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स की, तो बेटा याद रखिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स डू नॉट हैव देयर मीनिंग्स, स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। लेकिन ये जानकर आपको बड़ी हैरानगी होगी दैट दे आर मीनिंगलेस बट दे गिव, दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैव नो मीनिंग्स but when you use them your sentence becomes meaningful, that's why I'm saying that they make your sentence meaningful. Structural words ki apni koi meaning nahi hai, lekin jab aap iska istemal karte to aapke jumle ko meaning mil jati hai, usko ek maqsad mil jata hai, they become meaningful. He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event but the event cancelled and he came back by train on Sunday. Ab aap ye dekhiye कि जब मैं इसमें से ये वर्ड्स निकाल लेता हूँ, he went Lahore, his friend, PIA attend important event, event cancelled, he came back, train Sunday. जब आपने इसमें से structural words को निकाल दिया तो क्या हुआ? Structural words को आपने जैसे ही निकाला आपका जुमला बेकार हो गया। और आप देखिए structural words को लगा दीजिए आपके जुमले के अंदर जान आ गई, आपकी अंग्रेजी में जान नहीं है। अब आपको ये बात पता चल गया कि अगर आपको अंग्रेजी के अंदर जान डालनी है तो आपको वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपके सेंटेंस की रूह है ये, आज तक आपको ये बात पता ही नहीं थी। नोबडी हैज एवर टोल्ड यू दैट इफ यू इंप्रूव योर आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आपकी जो ऑलरेडी अच्छी अंग्रेजी है, जैसे आज जवेरिया ने एक बात कही, Javeria is good at English. I have observed her speaking a lot. Javeria को तीन चीजों पे काम करना है। Javeria की ज्यादा गलतियां नहीं होंगी, मैं कंफर्म बता सकता हूँ, लेकिन तीन चीजों में हर इंसान की गलती है, हर पाकिस्तानी स्टूडेंट की गलती है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। आज की रात और कल का सूरज सुबह निकलने से पहले आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के रिकॉर्डेड सेशन आपको फॉरवर्ड करूंगा, वो लाजमी सुन रहे आप, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपकी जो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं टीचर्स ग्रामेटिकल एरर्स, तो ग्रामेटिकल एरर्स यही है। अच्छा देखो, जो वर्बल एरर है वो दूर हो जाएंगे विद इन 2-3 मंथ्स, टेंसेस पढ़ोगे, मॉडल्स पढ़ोगे, कंडीशनल्स, खत्म।
वर्बल एरर यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती जो है, टेंस की जो गलती है कि आपने टेंस लगाना था, मॉडल लगाना था, कंडीशनल लगाना था, वो आप सही नहीं लगा पा रहे, वो आप सीख जाएंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज दैट सबसे बड़ी मछली कौन सी है, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को मैंने अपने कोर्स के अंदर मिक्स किया हुआ है, ब्लेंड किया हुआ है, ये मिक्सचर के साथ ही आते हैं। क्यों? जब दो सेंटेंस आप कंबाइन करते हैं तो बीच में कंजंक्शन आता है, जोड़ता है। ये मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर कि आपकी कंजंक्शन इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जब आप बात करते हैं आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस की, तो ये आपको इंप्रूव करना है, और ये आप एक दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 20 दफा भी पढ़ते रहे तो आपके लिए कम है। जितनी एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकते हैं आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर अपने फ्री टाइम में किया करें। प्रेपोजिशन की किताब में लिखता है गोरा, द मोर एक्सपोजर यू गिव टू प्रेपोजिशंस द मोर यू लर्न, द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू इंग्लिश लैंग्वेज यू इम्प्रूव योर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऐसा नहीं है 2 दिन पढ़ लिया अल्लाह हाफिज। प्रेपोजिशन कहता है कि जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज से अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना आप इस लैंग्वेज के अंदर जाएंगे उतने प्रेपोजिशंस आपके अच्छे होंगे। यू कैन नॉट इम्प्रूव योर प्रेपोजिशन इन 2, 3, 4, 5, 6 months। यू विल हैव टू वर्क ऑन प्रेपोजिशन होल योर लाइफ। इट्स नॉट अ टॉपिक विच कैन बी टॉट इन अ वीक। It is not actually a topic. It's actually a subject, I would say. Articles के rules इतने baggy और loose हैं कि उसके mistakes को accept कर लिया है। लेकिन preposition के rules, preposition की गलती को accept नहीं किया जाता, preposition की mistake को mistake नहीं कहा जाता, blunder कहा जाता है। यानी कि mistake से बड़ी है ये, blunder है। आपने किसी से बोल दिया put on, किसी से बोल दिया put off। तो पुट ऑल और पुट ऑफ की मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। गेट का मतलब हासिल करना है, आपने गेट अप बोल दिया उसका मतलब कुछ और, गेट ऑन का मतलब उसका मतलब कुछ और। एक प्रेपोजिशन लगाने से जमीन आसमान की मीनिंग में तब्दीली आ जाती है। सो इट दैट्स व्हाई द मिस्टेक्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेपोजिशन की गलती से बचे तो प्रेपोजिशन को आज से याद करना शुरू करें कि किस चीज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। अब देखो, मैंने आज तुम लोगों को दूसरे सेशन के अंदर ही ये बात जहन में बिठा दी, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन से दोस्ती करो, इनसे तुम्हारी कट्टी हुई है। बताओ, जिंदगी में कभी किसी ने तुम्हें ये बात बताई? टेंसेस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो, कट्टी टेंसेस और मॉडल्स पे घूमती रहती थी गाड़ी, टेंसेस टेंसेस टेंसेस। भाई आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को तो मैं आपको देखे सीएसएस के पेपर में आते आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी उठा ले सब में आर्टिकल्स प्रेपोजिशन कंजंक्शंस आते। बीकॉम का पेपर उठा ले आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस आते, इंटर का पेपर उठा लीजिए आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस आते। क्यों आते हैं भाई हर पेपर में, सवाल है क्यों आते हैं? आईएलटीएस का पेपर उठा लीजिए, आइल्स के पेपर के अंदर भी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इसी से आपको जवाब मिल रहे होते हैं रीडिंग के अंदर भी और लिस्टिंग के अंदर भी। आ गई बात समझ? आज से तमाम स्टूडेंट्स ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, सर आज पूरे ये हफ्ता आर्टिकल्स प्रेपोजिशन के नाम। देखो, हर हफ्ते का टारगेट देता हूँ, पिछले हफ्ते का टारगेट दिया हुआ है, पहला लेक्चर सुन लो साउंड का, तो 2 हफ्ते का लेक्चर दिया हुआ है। अब 1 हफ्ते का टारगेट दिया है आर्टिकल्स प्रेपोजिशन। जितनी ऑनलाइन एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो आर्टिकल्स प्रेपोजिशन पे करो। मैंने जब ही कहा है कि अभी बोलना नहीं है, अभी सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। और आज जब सुनोगे तो आर्टिकल्स प्रेपोजिशन को फोकस कर रहे हो। लेकिन अफसोस, जो बोलने वाले वो लोकल स्पीकर है, दे आर ऑलरेडी मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। तो कोशिश करो कि 9th या मैट्रिक क्लास की कोई किताब उठा लो अंग्रेजी की, उसको रीड करो और देखो तुम तो उसमें एक पैराग्राफ रीड करो, उसमें आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को बस जरा अंडरलाइन कर लो, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। अबे यार, आज से पहले कभी इनको फोकस ही नहीं किया है, आज 2 महीने इनको फोकस कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये रिसर्चर्स की बातें हैं कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू यू दैट आई एम अ लैंग्वेज टीचर। हमने लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च की है, हमने स्टूडेंट्स की गलतियों को एनालाइज किया है कि एक मैट्रिक क्लास का बच्चा, एक 5 क्लास का बच्चा, इंटर के बच्चे, बीकॉम के बच्चे ये गलतियां क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, गलतियां यही है जो पूरी एक कॉमन रिपोर्ट बनकर आई कि दैट मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आर मेकिंग
prepositional errors, articles mistakes, conjunctions. They have no knowledge of it. उनके पास उनकी इसकी नॉलेज ही नहीं है, उनको बताया नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। तो बेटा आज आपको एक टारगेट मिल गया है, सर आज ये हफ्ता 7 दिन मंडे टू संडे आर्टिकल्स प्रेपोजिशन के नाम, आज आज आपको इसकी फाइल भी मिल जाएगी आर्टिकल्स की। इस चीज को याद रखो, पहला कदम उठाने में टीचर का सहारा लेना पड़ेगा आपको। मैं आपका पहला सहारा फर्स्ट स्टेप बनूंगा, पहला कदम आप मेरे साथ उठाएंगे, मैं आपको आर्टिकल्स की अपनी रिकॉर्डेड फाइल भेजूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, प्रेपोजिशन का रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, उसकी पीडीएफ भेजूंगा, उसके नोट्स भेजूंगा, उसकी एक्सरसाइजेस भेजूंगा, उसका एक टेस्ट भेजूंगा। पहला कदम मेरे साथ, लेकिन मंजिल तक आपको अकेले खुद ही जाना है, लेकिन मैं आपको स्टेशन तक छोड़कर आऊंगा, गाड़ी में बिठा कर आऊंगा। ठीक है भाई, ये हफ्ता हो जाएगा आर्टिकल्स प्रेपोजिशन के नाम कन्फर्म, पक्की बात है। चल जैसा कह रहा हूं वैसा करते रहो, यकीन करो अंग्रेजी इम्प्रूव हो जाएगी, इसमें कोई दो बातें कोई दो राय नहीं है। मैं तजर्बा नहीं कर रहा, पर हम तजर्बे कर चुके हैं, अब हम सिर्फ फाइनल राउंड खेलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चले आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे बाय डाइवो टू एट 9 PM टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब आप देखिए इतना सा एक सेंटेंस है, उसमें कितने सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स आ गए। यही तो गलती है बेटा, टाइम से पहले एट लगाना, डाइवो से पहले बाय लगाना, ट्रांसपोर्ट है डे से पहले ऑन लगाना, किसी के साथ जा रहे हैं विद माई सन, गोइंग टू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं तो टू लगा रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब गोइंग से पहले जब आर आता है, और फिर वहां पर इन्फिनिटिव आ गया, इम्पोर्टेंट जो है वहां पर आर्टिकल लगेगा, एन वाउल साउंड आ रही है। ये चीजें आपको आज रिकॉर्डेड सेशन में नजर आ जाएगी। आगे चलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। हम एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस बनाने में हमें कम से कम चार चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चार चीजें? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सर आज से पहले तो हमने सिर्फ इन्हीं बातों को सुना था, ये आज कुछ नई बातें हम पहली मरतबा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एडवर्ब भी आ गया। एडवर्ब को अपने पास बेटा एक पेपर रखा करो, अगर इसका प्रिंट आउट करवा लिया तो इस पर लिखते रहा करो। एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशन, एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन। अब आप सर एडवर्ब तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने क्योंकि आपको समझाने के लिए इसको आसान लफ्जों में बता दिया, टाइम एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल। जितना बताऊं उतना सीख लो। सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे, रोज आना, एवरीडे रोज आना। अच्छा यहां पर एक बात और बता देता हूं, क्योंकि एक गलती हुई भी है तो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा भी। अगर तो मैंने एवरी लिखा और उसके बीच में स्पेस दे दिया, और अगर मैंने एवरी लिखा और एवरी डे को मिलाकर लिख दिया, तो जब एवरी डे को मिलाकर लिखा जाता है तो याद रखना वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जब एवरी को अलग किया बीच में स्पेस दिया और फिर डे लिखा तो वो कहलाता है एडवर्ब। इत्तेफाक से यहां पर जो लिखा हुआ है वो है तो एडवर्ब, लेकिन लिखा हुआ एडजेक्टिव की तरह है, तो इसको सही कर लीजिएगा अपने पास। एवरी अलग और डे अलग। एवरी डे का मतलब जब आप एडवर्ब एज एन एडवर्ब की बात करेंगे तो इसकी उर्दू अपने पास लिखिए रोजाना बिला नागा, रोजाना बिला नागा। शुक बेटा अपना नाम तो लिखिए सही, कौन सा नाम है मैं समझ, प्लीज मेंशन योर प्रॉपर नेम। Is it your proper name? Shuk. Every day. Every day. Every space day is an adverb. It means without any gap. Regularly. And when you write every day without a space, it is an adjective and you will use it in this way. Everyday problem. Everyday problem, रोजमर्रा के मसले मसाइल।
the problems which you face every day, the problems which you face daily, everyday problems, रोजमर्रा की मसले मसाइल, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन। अब देखिए एवरीडे को मैंने मिला के लिखा हुआ है, एक्सप्रेशंस क्या मतलब, रोजमर्रा बोले जाने वाले फकरे या जुमले, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन। सो हियर एवरीडे इज एन एडजेक्टिव, एंड व्हेन यू लुक देयर इन फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस, सरस्वती टीचर्स अस एवरीडे, देयर मस्ट बी स्पेस बिटवीन एवरी एंड डे। छोटी सी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन देखो है कितना इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। शर्मिंदगी हो जाती है कभी कभार, कोई इतनी छोटी छोटी बातें पूछ लेता है ना, तो दैट्स व्हाई यू मस्ट नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे। समटाइम्स शी कॉल्स मी, बाज़ोकात वो मुझे फोन करती है, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी। इट इज पॉसिबल टू यूज एडवर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एंड बिफोर द वर्ब और आफ्टर सब्जेक्ट, बट आई वुड से बिफोर वर्ब। आप वर्ब से पहले जो है एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस वेदर यू यूज इट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और जस्ट बिफोर द वर्ब। एडवर्ब डज नॉट हैव एनी यू नो बिलीव, यू कैन यूज इट एनी वेयर। लेकिन कुछ एडवर्ब्स के नखरे हैं, अभी आपके सामने आगे आएंगे। He usually plays cricket. He usually plays cricket. अब मैंने एक मैं एडवर्ब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एडवर्ब, आई एम सिंपली टेलिंग यू दैट व्हाट इज एडवर्ब हियर, टाइम एक्सप्रेशंस। आई एम नॉट टीचिंग पार्ट्स ऑफ अ स्पीच राइट नाउ, आई एम टीचिंग फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। सो लेट मी टीच फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, बट फॉर योर शॉर्ट introduction of adverb is what, that adverb here is a time expression, ठीक है ना, time expression। yeah exactly, these are general knowledge questions that which find the error, so they are using adjective, there may be spelling error, so it is a very useful information for all of you, that every day with a space or without a space, which one is correct, both are correct, but every day with this, every plus day like this is adverb, and when you write every day with no space, that is an adjective, right? Aage chale. He usually plays cricket. He usually plays cricket. Usually he plays cricket. He plays cricket usually. Again, you can see that I am using adverb usually in the starting of a sentence, by the end of the sentence, before the verb. No difference in meaning. Yesterday, again, this is an adverb. Yesterday can come in the starting of a sentence, by the end of the sentence, and you can also use it before the verb. He never buys cell phone. He always disturbs us. He never buys cell phone. He always disturbs us. अगर मैं ये कह रहा हूँ, he never buys cell phone. He always disturbs us. Please look here and try to understand this. He never buys cell phone. अब never or always को, can you change the place of never and always? No, you can't. You cannot change the place of these two adverbs. He buys cell phone never. Never he buys cell phone. No, never and always they remain on their positions. You can't change them. बट समटाइम्स पीपल से कभी कभार लोग कहते हैं, रुबाब बेटा क्या कर रही है, नाम लिखा हुआ आता है, यू आर इन अ क्लास, चले हम आपके खेल बंद कर देते हैं, अब आप नाउ यू कांट प्ले, राइट, थैंक यू। नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। अब आप लोग कहते हैं, देखिए सर आपने कहा था कि नेवर कैन नेवर कम इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, never can never come in the starting of a sentence, kya khoobsurat jumla bana hai, never can never come, never can never come in the starting of a sentence, ye baat kisko samajh aa rahi hai, never can never come in the starting of a sentence, always can never come in the starting of a sentence, log kehte hain, lekin yahan dekhiye
नेवर और ऑलवेज दोनों जुमले के शुरू में आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जुमले के शुरू में है, लेकिन हकीकत में इनसे पहले यू लिखा हुआ है, यू नेवर कॉल मी अगेन, यू ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। तो सर ने आपको बता दिया कि एडवर्ब्स क्या है। एडवर्ब्स जो है वो बेसिकली टाइम एक्सप्रेशंस है, दे आर एक्चुअली टाइम एक्सप्रेशंस एंड दे आर नॉर्मली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन आवर सेंटेंसेस। यू कैन चेंज देयर प्लेसेस बट दे विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आगे चलते हैं। अब आपके पास है सारा कॉल्स मी ऑन संडे, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस, आपने देखा होगा कि अक्सर आप लोग डेज से पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है ऑन संडे, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन यू लुक एट अनदर सेंटेंस, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। अब आपने जब व्हेन यू लुक एट दिस सेंटेंस, आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रेपोजिशन। याद रखे ये जो तीन वर्ड्स में लिख रहा हूं, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, इनसे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। जैसे मैंने यहां लिख दिया संडे, अब अगर मैं कह रहा हूं शी कॉल्स मी एवरी संडे, शी कॉल्ड मी लास्ट संडे, शी विल कॉल मी नेक्स्ट संडे, आई विल नॉट से एंड आई एम नॉट गोइंग टू से ऑन लास्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन एवरी संडे। दिस इज अ कॉमन एरर मेड बाय पाकिस्तानी, कॉमन एरर विच इज सीन इन पाकिस्तानी इंग्लिश और पिंग्लिश। हम लोग पाकिस्तानी इंग्लिश को पिंग्लिश बोलते हैं। तो लोग हो सकते हैं आपसे पूछ लें, आर यू लर्निंग इंग्लिश और पिंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश और पिंग्लिश? सो यू कैन से आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक पिंग्लिश बिकॉज आई हैव डन माय लैंग्वेज कोर्स, राइट? आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अब आ रही है बेटा सादिया, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? चार चीजों की मदद से एक सेंटेंस को फॉर्म किया। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यस और नो? क्या हम ऑब्जेक्ट के बगैर यह सामना, कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, विदाउट? सर एडवर्ब में एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो हम लोग अगर कहें ही गो टू स्कूल, मतलब अगर लिखा है सोनिया प्लेस क्रिकेट, कोई एडवर्ब नहीं आया, कोई टाइम नहीं आया, तो नहीं, क्या सर, हम हाँ। क्या हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं? जी सर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। Is it possible to make a sentence without an object? क्या object के बगैर जुमला बना सकते हैं? Yes sir, बना सकते हैं। बिल्कुल बन जाएगा sir। यानी कि object और adverb, object and adverb are not essential part of a sentence. They are not compulsory part of a sentence. You can drop them if you want. आ गई बात समझ? मेरा अब आपसे एक और सवाल है जनरल नॉलेज का, हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग। Is it possible to make a sentence without subject? क्या subject के बगैर जुमला बन सकता है? Yes or no? Chat में भी लिख सकते हैं yes or no। एक ने कहा नहीं। No sir। किसी ने कहा no sir। शुक्रिया। आपने कहा शुक्रिया मेरी। नहीं बन सकता, लोग कह रहे हैं। लेकिन जो formation आपको screen पर दिख रही है, क्या वो झूठी है, गलत है? काट दो उसको। तो यहां पर आप एक बात कह सकती है, जो दिखता है वो होता नहीं, होता और जो होता सर, है सब्जेक्ट वो हमारा जो एक्शन टेक करता है ना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। वेरी गुड निमरा। अच्छा आप ना देखिएगा, बात सुनिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स को ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर वाकई कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, आपको दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जनरली क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आपको बचपन में जो पढ़ी थी वो याद दिला दूं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस फॉर एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एंड इन दीज सेंटेंसेस नॉर्मली द सब्जेक्ट इज हिडन और बिकॉज इट इज डेफिनेट, क्योंकि ये डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने जो है वो हीरा है, मैंने हीरा से कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने कहा जाओ जाकर पानी लेकर आओ, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने इनसे कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना हीरा यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर या हीरा फेच मी अ ग्लास ऑफ, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा सामने हीरा मुझे देख रही है, मैं हीरा को देख रहा हूँ, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ कड़ी यहाँ देख क्या रही हो, जाओ लेकर आओ पानी, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्यास लग रही है, ओके सर, डांट क्यों रहे। रुबाब से मैंने कहा ओपन द डोर, अब रुबाब सामने खड़ी है, मैं ये क्यों कहूँ यू ओपन द डोर भाई, मैं बोल दूंगा सर रुबाब ओपन द डोर, क्लोज द डोर, जिससे मैं बात मुखातिब हूँ मैं उसी से बात कर रहा हूँ, तो यू लगाने की जरूरत ही नहीं है या सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट वर्ब लगाया और अब बाकी बातें जो भी है, ऑब्जेक्ट लगाए एडवर्ब लगाए नो प्रॉब्लम। अब जरूरी नहीं, यू तो ज्यादा लोगों के लिए भी यूज किया जाता है ना, ज्यादा ज्यादा, अब जैसे बहुत सब लोग मेरे सामने खड़े हैं शोर मचा रहे हैं, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, आप देख लें जब आप स्कूल में टीचर थी सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं आप कैसे चिल्लाती थी, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, पागल हो जाऊंगी मैं, होता था ना स्कूल में जब बच्चों पढ़ा रही होती थी और बच्चे सुन नहीं रहे होते थे, I will go mad. कितना शोर मचाते हो तुम लोग, stop making a noise. आप किससे मुकाबले में, एक से या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा no problem. You singular भी है, you plural भी है, तो we can make a sentence without a subject. अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अभी भी गलत सोच रहे हैं। आइए एक खास रोशनी में देखते हैं, ये देखिए एक खास रोशनी में देखिए कॉल सारा, तो आपको नजर आ जाएगा हरे हा हा हा, आप तो सही कह रहे थे, मैं तो सारी बातें सही करता हूँ भाई, समझ आनी चाहिए। कॉल सारा, सारा को बुलाओ, सारा को बुलाओ, कॉल सारा। अब आप गौर से देखें, आपके खोल के देखें तो आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, सारा। अरे कॉल सारा से पहले देखो ना, यू काम करने वाला कौन, डूअर ऑफ एन एक्शन कौन, आप, तुम सारा को बुलाओ। ये हम अपनी जबान पर नहीं लाते लेकिन ये हमारे दिमाग और नजरों में होना चाहिए, नॉलेज हमारी है। कॉल सारा, कॉल हर, यू कॉल हर, हेल्प मी, यू हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ लाइफ, प्लीज यू गिव मी अ लाइफ, यू होता है लेकिन बोलते नहीं है, डेफिनेट है। लेकिन कभी कभार जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपकी जबान से यू निकलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से बाहर, तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे अब्बा ने दिया था जेल से घर, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, तुम तो खड़े मत होना, मिस्टर आई गो टू वॉश रूम, तुम तो खड़े मत होना बबलू, डोंट यू स्टैंड अप, तुम मिस्टर हाँ तुम मेरी बात सुनो, You listen to me. अभी से बात करें भाई, talk in balance, talk politely, नहीं तो क्या कर लेगा भाई, You listen to me. गुस्सा आ रहा है भाई, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी जबान से यू निकल जाता है, You shut up. ये जुमला आपने जरूर बोला होगा अपनी जिंदगी में, You shut up. You get lost. बोला ना, गुस्से में कभी कभार आपने यू का इस्तेमाल जरूर किया होगा, यू सिट डाउन, बैठ जाओ तुम, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया जुमला जरूर बोला होगा, तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन, तुम खड़े जाओ, यू स्टैंड अप, ये ना, अगर अगर आप सिंपली बात कर रही है, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज सिट डाउन, प्यार मोहब्बत से बात कर रही। अच्छा अब आपकी ससुराल वाले आ गए, आपके अब्बा, अरे आप लीजिए ना कबाब लीजिए, बैठिए आप लीजिए कबाब लीजिए, अब आदा कर रहे हैं,
खाए उनको रायता अच्छा लगे, रिश्ता डर हो जाए। अरे आप लीजिए ना, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए केरेंस के कबाब, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, तले हैं जब के सिर्फ, फिर भी अपने हाथ से बनाए। भाई वाह वाह, आपके कबाब तो बड़े जबरदस्त है। अरे आप ये भी लीजिए ना बर्गर, ये सारी चीजें इसने अपने हाथ से बनाई, सारा माल प्रिजर्व आइटम का है, सब केरेंस का है। आजकल की लड़कियां यही खा रही है, बना रही है, बच्चों को भी यही खिला रही है। अरे बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए, हमारा ये नया सोफा लिया, पप्पी आई आपके घर में। अरे आप यहाँ यहाँ बैठिए ना, ये जस्ट सिट हियर, ये कल ही लिया हमने। मम्मा ये तो शायद आंटी से बताया था हमने कल, चुप हो जाओ ना, तो बोलने की जरूरत है। अरे आप यहाँ बैठे, ये फजूल में बोलता रहता है, आप यहाँ बैठे। अरे आप सर मेरी बात सुन ले, सर 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 याद करें, यूनिवर्सिटी के दिन असाइनमेंट एक दिन लेट हो गया, सर बात सुन ले सर प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्यारे सर अच्छे सर, सर बात तो सुन ले सर प्लीज, देखे ना सर अल्लाह सर सुन तो ले, यू जस्ट लिसन टू मी। क्या कर रही है आप? परसुएट, आप बच जाए, यू डोंट यू गो। अगर इससे पहले आप इसके आखिर में ये भी लगा दें, डोंट यू गो कैन यू, तो ये जुमला हो जाएगा वही याद करें काजुल को बोला था उस बच्ची ने, तो सीधा जाओ ना, छोटा सा बच्चा था, तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो कैन यू। वो क्या कर रहा होता था काजुल को? परसुएट कर रहा होता था, अबादा कर रहा था, काजुल आंटी बच जाइए आप, डोंट यू गो कैन यू। अरे पगला, हमें जाना है, शादी है हमारी। अरे बात समझ, कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा यस नो, यस वी कैन मेक अ सब्जेक्ट विदाउट यूजिंग इट, बट इन रियलिटी देयर इज अ सब्जेक्ट, वी कैन मेक अ सब्जेक्ट विदाउट यूजिंग इट, विदाउट यूजिंग इट वी कैन मेक अ सब्जेक्ट, but in reality there is a subject and it happens only in imperative sentences, right? Hum subject ko use kiye bagair jumla bana sakte hain imperative sentence ke andar, but in reality there is a subject in all sentences. Main aapse ek aur sawal chalte chalte do baatein aapse aur karunga. Can we make a sentence with the help of two objects? Kya ek sentence mein do objects aa sakte hain? दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो याद रखिए उनके दो नाम है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object refers to something. Direct object refers to something, or indirect object refers to somebody. अब ये बात क्या है, इस बात को आपको समझना है। Something से मुराद तमाम स्टूडेंट समझते हैं, something से मुराद कोई भी बेजान चीज या कोई भी जानवर, और समबडी से मुराद कोई भी इंसान, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लोरल भी हो सकता है, समथिंग कैन बी अ सिंगुलर, समथिंग कैन बी अ प्लोरल। अगर यकीन नहीं आ रहा तो भाई, अगर मैंने कहा मोबाइल तो मोबाइल सिंगुलर भी हो सकता है प्लोरल भी हो सकता है, अगर मैंने कहा अली तो अली के साथ सारा भी हो सकता है, अली एंड सारा, तो अली एंड सारा दे भी हो सकता है, देम भी हो सकता है। इट मीन्स दैट समथिंग कैन बी अ, समथिंग कैन बी सिंगुलर, समथिंग कैन बी प्लोरल। Somebody से मुराद समझ आता है कि कोई इंसान की बात होगी, something से मुराद किसी चीज की बात होगी। एक तस्वीर हमारे मोबाइल फोन में बेगम ने देख ली किसी लड़की की, तो हमसे पूछ रही है who is she, मतलब she is talking about somebody or something, she is talking about somebody. Right? एक दिन उन्होंने पैंट में से सिगरेट का डब्बा भी मिल गया, तो what is, फिर उन्होंने कहा what is this, so she is asking about somebody or something. अच्छा, एक दिन वॉलेट में से एक तस्वीर निकल आई लड़की की, तो अब क्या पूछेगी वो, who she will talk ask about somebody or something, something, लड़की की तस्वीर है, somebody, somebody कौन है लड़की, who is she, अरे तलाशी गुमशुदा की तस्वीर है, मुझे
थाने में दे दिया, वो दोस्त ने दी थी कि लड़की लापता हो गई, तुम तो शक ही कर दिया ना जिंदगी। और जो सिगरेट का डब्बा था वो दोस्त से छीना था, उसको अस्पताल में एडमिट करवा कर आया था, तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें लगता है मैंने सिगरेट शुरू कर दिया? यार हद हो गई आजकल, मतलब नेकी का दौर ही नहीं रहा है। अरे नहीं मैं समझी आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, मैं पानी के अलावा क्या कुछ पीता हूँ तुम्हारे सामने ही है। चले अच्छा जी, आगे बात समझ आ रही है बेटा? समथिंग और समबडी क्लियर हो रहा है ना? अगर तो मैं फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ाता था बेटा, तो मैं ऐसी तफरियों के साथ पढ़ाता था। अब बच्चे कहते थे सर आप ऐसे ही पढ़ाया करें, तो मैंने ऑनलाइन सिस्टम में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बिल्कुल अपनी रियल क्लासरूम की तरह ही पढ़ाता हूँ कि बच्चे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, पर ना बोर हो जाए कि आप लोग ग्रामर वैसे बोर करती है, लेकिन मेरे साथ ग्रामर पढ़ेंगे यू विल नेवर गेट बोर, मुस्कुराते रहेंगे। और 4 बजेंगे 5 बजेंगे क्लास खत्म हो जाएगी। अब 8 मिनट रह गए, मुझे टॉपिक खत्म करना है। आई आस्क अ क्वेश्चन, बताइए अ क्वेश्चन समबडी है या समथिंग है? समथिंग समथिंग। आई समथिंग आस्क अली, अली बताइए समबडी है या समथिंग है? समबडी समबडी। अब एक फॉर्मूला अगर याद कर लो ना, मैं बता रहा हूं डिक्शनरी के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन इस्तेमाल की गई है, सबसे ज्यादा वो ये दो फॉर्मेशन है, समथिंग टू समबडी और समबडी समथिंग। तुम लोगों को इसकी अहमियत के बारे में जिस दिन पता चलेगा हमें आकर सलाम करो कि सर आपने ये जो छोटी सी बात बताई थी तो डिक्शनरी में भरी पड़ी है, और हर वर्ब को समझने में, हर चीज को समझने में ये समझनी पड़ती है बात समबडी समथिंग है या समथिंग है या समथिंग टू समबडी है, या इसके बाद समबडी आएगा, इसके बाद समथिंग आएगा, इसके बाद समबडी समथिंग दोनों आ सकते हैं अब, और इसके बाद समथिंग टू समबडी आ सकते हैं, लेकिन समबडी समथिंग नहीं आ सकता। ये जो बातें मैंने की है ना, इसको रिकॉर्ड हो गई है, दोबारा सुनना कि मैंने कितनी बातें बोली है। ये सारी बातें डिक्शनरी के अंदर होती है। अब आप ये देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस को अब हम एक करने जा रहे हैं, तो पहले आ गया समथिंग, अब क्वेश्चन। जब समथिंग पहले आएगा तो फॉर्मूले का टू आएगा, आ गया फॉर्मूले का टू, फॉर्मूले का टू आ गया, जी सर टू वाली जो लिखा। और उसके बाद समबडी भी आओ। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, मैंने कहा अली को पहले ले आओ, क्वेश्चन को बाद में लाओ। अब क्वेश्चन अली को पहले प्रपोजिशन की लाओ, जगह ए आ गया। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गई बात समझ? यस सर। सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग्स, एक में समथिंग पहले एक में समबडी पहले। अगर समथिंग पहले आएगा तो टू लगेगा। नीचे सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखिए, आई गिव सादिया अ लेक्चर, लेक्चर को पहले ले आइए। समथिंग आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन बोथ सेंटेंसेस? आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। पहले में लेक्चर है ना, तो समथिंग का ही मैं सम किस चीज के बोथ बारे में सेंटेंसेस, लेक्चर। सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आपने ज्यादा कॉमनली कौन सा सुना है? आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, बट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, आई गिव सादिया अ लेक्चर। आ गई बात समझ? ठीक है सर, एक सवाल, आखिरी सवाल, एक बच्चे का आखिरी सवाल जी। सर आपने देखे आखिरी बात बताई, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हमने सुन ली, उसका नाम भी आपने बता दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। फिर आपने एक सेंटेंस ऐसा भी रखा जिसमें ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया, फिर आपने ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिखा, मतलब सर कभी ऑब्जेक्ट आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी दो आ रहे हैं, सर इसके पीछे हाथ किसका है? तो देख लो इसके पीछे किसका हाथ है? वर्ब का। सर हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव जवाब मिलने वाला है आपको, सवाल बड़ा अच्छा है बच्चे का। सर ये ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बहुत आसान सी बात है, हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो याद रखें, लिखे अपने पास, आसान आसान जबान में लिखा हुआ भी है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट,
ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सर याद कर ले ट्रांजिटिव वर्ब्स, बेटा जिंदगी हो जाएगी तुम ट्रांजिटिव वर्ब्स याद नहीं कर पाओगे, इतने हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर अनलिमिटेड। और इसकी डिक्शनरी के अंदर निशानी क्या होती है, पुरानी डिक्शनरीज के अंदर, पुरानी बात करो 1998 तक के ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के जो एडिशन है उसमें पहले ये लिख दिया जाता था वी एन और वी डबल एन। कैम्ब्रिज डिक्शनरीज के अंदर आज भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वी एन और वी डबल एन। वी एन का मतलब अपने पास नोट कर ले, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, आगे लिखा हुआ भी है मैंने डायग्राम बनाकर। वी डबल एन का मतलब है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। सर इसकी कोई लिस्ट भी अवेलेबल होती है? बिल्कुल होती है, आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, सर्च कर लेना, मिल जाए तो मुझसे शेयर कर लेना, मैं अप्रूव कर दूंगा। लिस्ट ऑफ वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऐसे वर्ब्स जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो फिर क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, वर्ब खाली। क्या मतलब सर, द डोर ओपन्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, द डोर ओपन्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो वर्ब खाली, नथिंग एट ऑल। लेकिन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ही इज टायर्ड, टायर्ड इज एन एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन आ सकता है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, लोग कहते हैं इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बना दो, स्कूल इज गॉन, थैंक यू वेरी मच, बर्बाद कर दिया आपने इंग्लिश, स्कूल इज गॉन, ठीक है, स्कूल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एवरी डे आज आप लोगों ने पढ़ लिया कि एवरी डे इज एन एडवर्ब, अच्छा आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही इज टायर्ड, ही ड्राइव स्लोली, एडवर्ब आ गया। तो देख लो मैंने वही ऊपर जो फॉर्म लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो गोरा बताता है कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव प्रेपोजिशन एडवर्ब आएगा जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। सर इसकी कोई लिस्ट अवेलेबल है? बिल्कुल है, आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगी, ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही आसान सी बात लिख दी, बहुत आसानी से समझा दिया, ये एक लिस्ट मिल गई छोटी सी और ये लिमिटेड है। आप लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को सर्च करेंगे आपको और भी लिस्ट मिल जाएगी। सही, तो आज के सेशन में आपने क्या पढ़ा, आज के सेशन में सबसे पहले आप लोगों ने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा, सिंटेक्स के अंदर आपने कॉन्टेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अहमियत को पढ़ा, स्ट्रक्चरल वर्ड्स को इम्प्रूव करने का टारगेट आपको मिल गया है, इसके लिए आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पे इस हफ्ते काम करना है, इसकी पीडीएफ, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर, इसका एक टेस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आपने सेंटेंस फॉर्मेशंस के ऊपर काम किया, आपको पता है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन नहीं सकता, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और एडवर्ब को ड्रॉप किया जा सकता है, इसके बगैर जुमला बन सकता है। आपने ये भी पढ़ा कि एडवर्ब इज एक्चुअली अ टाइम एक्सप्रेशन, हम इसकी लोकेशन को तब्दील कर सकते हैं और कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये जुमले के शुरू में जाता है तो अपने बाद कॉमा ले लेता है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। फिर आपने ये देखा कि हम एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी लगाते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के नाम को आपने पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनके पीछे वजह, उस वजह को भी आपने जाना, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो अपने पास सिंगल ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, और ये बकायदा तौर पे हमें रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है कि ये डबल ऑब्जेक्ट लेगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा, किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, इसके ऊपर लिस्ट भी अवेलेबल है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लिमिटेड है, इसको याद करना ज्यादा बेहतर है। जब डिक्शनरी में आप किसी वर्ब को सर्च करवाते हो और वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसके आगे बाकायदा तौर पर, अब जो 2022 का एडिशन आया है, 10th एडिशन जो आपके पास आया ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स का, उसमें बाकायदा तौर पर उस वर्ब के आगे इंट्रांजिटिव लिखा हुआ होता है। जैसे अगर आप गो को सर्च करवाए तो गो के आगे लिखा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट यूज एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस वर्ब। और याद रखिए एक जनरल नॉलेज की बात, जो वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं उनका पैसिव भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि याद करें अपने स्कूल लेवल की बात, पैसिव में आपकी मिस ने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आपको क्या सिखाया था, याद करें सबसे पहली जो चीज आपको सिखाई थी वो क्या थी, नाउन, किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें,
अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर, आपने एक सेंटेंस बनाया ही इज टायर्ड, आपने एक सेंटेंस बनाया ही ड्राइव स्लोली, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, जुमला कहाँ से बनेगा, लिहाजा ऐसे जुमलों का पैसिव नहीं बनेगा, वी कैन नॉट मेक पैसिव विद इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आप इसको दोबारा लाइव सुनना चाहते हैं आज ही के दिन तो मुझे 8 बजे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ और नई बातों के साथ हम इसको और आपके सामने लाइव पेश करेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये रिकॉर्डेड सेशन आपने सुना आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, मिस मारिया आपके इंतजार कर रही है डिस्कशन सेशन में, लिंक वही है जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, मिस मारिया को ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।